हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। तो रेडमी नोट 3 के लिए एक नया MIUI 9 का अपडेट आ गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, MIUI 10 का अपडेट कुछ दिनों के लिए रुक गया है। तो ऐसे में स्टेबल अपडेट बैक टू बैक कई सारे डिवाइसेस को देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मिला रेडमी 6 प्रो को, रेडमी 6 को और अब रेडमी नोट 3 को। तो हो सकता है इसके बाद 3S प्राइम को मिल जाए। तो ये अभी फिलहाल जो है सबको नहीं मिला है, सिलेक्टेड यूजर्स को मिला है। इस एप्लीकेशन की मेन फीचर ये है कि स्पिल्ट स्क्रीन जो है वो वर्क करने लगेगा रेडमी नोट 3 में। उसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज्ड बग फिक्स एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड हमेशा की तरह, ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी यूजेज एल्गोरिदम हमेशा की तरह, फिक्स अपडेट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच को जो है अपडेट किया गया है लेटेस्ट वर्जन में, फिक्स किया गया है व्हाट्सएप डुअल ऐप का इशू, मी एप्स के अंदर एडेड हुआ है कुछ नए फीचर्स, स्पिल्ट स्क्रीन जो है वो आ गया है जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसके अलावा न्यू यू कैन अनइंस्टॉल एप्स इन सेटिंग ऐप नाउ, मतलब सेटिंग ऐप में भी जाके आप ऐप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वो जो फीचर बाकी सारे MIUI यूजर को मिला हुआ था वो अब रेडमी नोट 3 को भी मिल गया। बैटरी यूजेज की अगर मैं बात करूं तो बैटरी यूजेज जो है वो ऑप्टिमाइज हुई है और थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लोगों की बैटरी तो पुरानी है, अब क्या इंक्रीज होगी। खैर, मी क्लाउड जो है, मी क्लाउड काम नहीं कर रहा था तो उसको फिक्स किया गया है। यहाँ पर यही छोटे मोटे जो चीजें हैं देखने को मिलेंगी। ये जो है चेंज लॉग आपके सामने है और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे रेडमी 6 और 6 प्रो की वीडियो नहीं देखी तो देख लो भाई। वैसे नहीं भी देखोगे तो बता दो, मैं रेडमी 6 की आगे वीडियो नहीं डालूंगा क्योंकि शूट करने में बड़ा टाइम लगता है। वैसे जरूरी नहीं है कि देख लो, छोड़ो हटाओ। खैर जो भी है, तो ये अपडेट जो है रेडमी नोट 3 के लिए है। फिलहाल मेरे पास इसका लिंक नहीं है, वर्जन है MIUI 9620 9.6.2.0, ठीक है। मार्शमैलो का ये अपडेट है। यहाँ पे से आप सेटिंग में चलेंगे और अपने अबाउट सेटिंग में जाएंगे, सिस्टम अपडेट में जाएंगे और यहाँ पर ना चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे। ये दूसरा फोन है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ स्क्रीन पे चेक फॉर अपडेट्स के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है अपडेट देखने को मिल जाएगा आपके फोन में। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिंक प्रोवाइड कर दूं। अगर लिंक मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर आप वेट करो। बट ये अपडेट सबको मिलने वाला है जल्दी। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर देना। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले।